स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अदानी विलमार के बारे में, जो FMCG में एक बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और इसका शेयर प्राइस अभी भी उतना नहीं बढ़ा है जितना बाकी कंपनियों का बढ़ा है IPO के बाद। तो ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। अभी इसका शेयर प्राइस 400 के आसपास चल रहा है। अगर ये शेयर आप पिक करके अपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं। और अदानी के नाम पर भी ये शेयर भागता है पहले ही, और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और अच्छा खासा इनका विलमार के साथ टाइप है। और ये इडिबल ऑयल में मार्केट लीडर है, तो इनका फॉर्चून ब्रांड है इडिबल ऑयल में, और ये फॉर्चून नाम से ये अपना इडिबल ऑयल वीट वगैरह बेचते हैं। तो आगे हम देखते हैं ये क्या क्या है, इनके पोर्टफोलियो कैसे है। इसमें ये हैंड सैनिटाइजर, इडिबल ऑयल, राइस, सोया चंकीज, पल्सेस, सोप, वनस्पति ऑयल, राइस, बेसन, चावल, सब कुछ बेचते हैं ये। खिचड़ी प्रीमिक्स भी बेचते ही है, तो इनका अच्छा खासा बिजनेस पोर्टफोलियो है। तो आप इस शेयर में जरूर बने रह सकते हैं। अगर आपने शेयर होल्डिंग लेके शेयर लेके रखे हैं तो आप इसमें बने रहिए, और फ्रेश एंट्री करनी है तो अभी अच्छा मौका है। ये ऐसी वॉर की कंडीशन, मार्केट इन्फ्लेशन, इसमें भी ये शेयर गिरा नहीं है। अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे आया है ये शेयर। बस आप देख सकते हैं इनकी माइलस्टोन, ये मार्केट लीडर है एडिबल ऑयल बिजनेस में। ये टॉप 10 FMCG कंपनीज में है इंडिया में। इनके 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और 90 मिलियन घरों तक ये पहुंच चुके हैं, और इनके 5,500 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडिया में। तो ये अच्छा खासा इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड कर लिया है, और अभी ये अच्छे खासे ग्रोथ के लिए तैयार है कंपनी। ये लार्ज कैप कंपनी है, ऐसी कंपनी में आप बने रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हर इसमें न्यूज़ है, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, इसमें रशिया यूक्रेन की वॉर में भी ये कहीं पे गए हैं, उधर ही स्टैंड करके अदानी विल पावर IPO गार्नर 70 टाइम्स बीड ऑन फाइनल डे। ये 70 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, मगर इसको इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये IPO खुलने के बाद ये 40% भागा था, और अभी ये वहीं इसका शेयर लिस्ट हुआ है 250 के आसपास कुछ तो, और फिर ये 400 के ऊपर चला गया था, अभी 400 के नीचे आ चुका है। तो अभी इस शेयर में आप एंट्री ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी आज शेयर का प्राइस चल रहा है 379, 380 के आसपास चल रहा है समझो। और इसका 52 वीक हाई है 420 रुपीज़, और 52 वीक लो है 227 रुपीज़। अब देखिए ये 8 फेब को लिस्ट हुई है कंपनी, और इसने अभी तक 41% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए। आप देखिए पिछले IPO डबल डबल हो चुकी है, लिस्ट हुए दिन ही डबल 100% के रिटर्न। तो ये अभी भी कम इसमें मिल रहा है आपको। ये डाउन आने के चांसेस मुझे तो बहुत कम लग रहे हैं। अगर आपको एंट्री लेनी है तो अभी ले सकते हैं आप। डाउन आएगा तो अपनी किस्मत समझे, और अपने पोर्टफोलियो में ये इसकी क्वांटिटी ऐड करते जाइए। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ जरूर बना के देगा। आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 49,303 करोड़, तो अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 1 है, इन्होंने पहले ही ये कर दिया इसका फेस वैल्यू। ये बोनस दे सकते हैं फ्यूचर में। इसका 52 वीक लो है 227 रुपीज़, और 52 वीक हाई है 420 रुपीज़। तो अभी ये 52 वीक लो के आसपास भी नहीं, और हाई के आसपास ही चल रहा है अभी भी, मगर आप इसमें जरूर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के देगा। और ये 500 के नीचे शेयर अवेलेबल है अभी, ये फ्यूचर में शेयर बहुत भाग सकता है। तो आप देख सकते हैं इसकी पीयर कंपनीज देखेंगे हम। आप देखिए इसकी पीयर कंपनीज के जैसा बिजनेस करने वाले ब्रिटानिया, नेस्ले, ये FMCG में काम करते हैं। और आप देखिए इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसके आसपास ही है। ब्रिटानिया का 82,000 और नेस्ले का 1,70,000 करोड़। नेस्ले का थोड़ा ज़्यादा है, मगर आप देखिए नेस्ले का शेयर प्राइस 17,000, नेस्ले का शेयर प्राइस चल रहा है। तो आप ऐसे शेयर में तो एंटर ज़्यादा नहीं होंगे, और होंगे भी तो कितने शेयर लेंगे आप, 2, 4, 5। तो आप देख सकते हैं अदानी विलमार 3rd नंबर पर आ चुका है लिस्ट होते ही, और ये 1 नंबर की कंपनी भी बन सकती है, क्योंकि ये अदानी के नाम पर भी भक्त है, और इनका बिजनेस भी अच्छा है, और ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। और एडिबल ऑयल में अभी ये वॉर की वजह से प्राइस हाइक हुए हैं, तो ये इनके शेयर में भी हाइक आ सकती है। तो इसलिए इस लॉजिक से तो आप ये शेयर खरीद ही सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।